Let's cover this topic, couple. A single force alone does not cause rotation of a pivoted body. Actually, rotation is always produced by a pair of forces. हाँ, रोटेशन हमेशा दो फोर्सेस, पेयर ऑफ फोर्सेस से होती है, इसीलिए इसको कपल बोला गया है कि दो फोर्सेस, जैसे ये पेन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे तो ही वो रोटेशन होती है, अगर कोई चीज फिक्स्ड है. इन अबव एग्जाम्पल, In the above example, rotation occurs due to the force externally applied and the force of the reaction at the pivoted point. हाँ, ये वही चीज है. नेक्स्ट, द फोर्स. द फोर्स ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस्ड एट द पिवट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स. हाँ, ये जो फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो ये इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स रिएक्शन अबाउट अ रोटेशन इज जीरो. सो द फोर्स ऑफ रिएक्शन एट द फिक्स पॉइंट ऑफ पिवट इज नॉट एक्सप्लिसिटली शोन इन फिगर. The pair of forces formed by the external force and the force of reacting is called a couple. ये actually ये definition है couple की. जो pair of force, दो forces हैं formed by external force जो हमने लगाना है and the force of reaction that is called as couple. ये आगे फिर definition आगे. Thus, two equal and opposite parallel forces not acting along the same line form a couple. तो ये two equal and opposite, equal force लगेगा and opposite लगेगा. अपोजिट पैरेलल फोर्सेस लगेंगे, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, सेम लाइन पे एक्ट नहीं कर रहे, उसी को कपल कहते हैं, कपल ऑफ फोर्सेस. देन अ कपल इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस अ रोटेशन. रोटेशन के लिए कपल चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ओपन अ डोर, द रोटेशन ऑफ द डोर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल कंसिस्टिंग ऑफ टू फोर्सेस. वन, द फोर्स व्हिच वी एक्सर्ट एट द हैंडल ऑफ द डोर, एंड टू, an equal and opposite force of reaction at the hinge. तो पहला फोर्स जो हमने लगाना है एक्सटर्नली, ठीक है, हैंडल ऑफ डोर पे, डोर के हैंडल पे, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा. दूसरा क्या होगा, एक तो एक्सटर्नल फोर्स जो हमने अप्लाई किया, एक अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा हिंज पे. तो ये जो दो क्या बनाएंगे, ये दोनों फोर्स मिलके कपल बनाते हैं, और इसी से वो चीज जो है, डोर है या कोई और चीज है जो एक पिवट पॉइंट पे फिक्स्ड है, वो रोटेट होती है. नेक्स्ट, Sometimes when we require a large turning effect, then two forces, equal in magnitude and opposite in direction, are applied on the body expeditiously. Such that both the forces turn the body in the same direction. हाँ, कई बार कहते हैं कि हमें ही दोनों फोर्स लगाने पड़ते हैं. ऊपर हमने किया ना, एक फोर्स हमने लगाना एक्सटर्नल और एक हिंज लगा रही है, ठीक है, वो अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन है. और कई बार कहते हैं कि हमें ही लगाना पड़ता है दोनों, ठीक है, वो किस केस में लगाना पड़ता है, ये देखो, ये कार रेंच है, ठीक है, और इसमें हम दोनों साइड पे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगाते हैं. पढ़ो, टू ओपन ए नट ऑफ कार, टू ओपन द नट ऑफ अ कार व्हील, वी अप्लाई इक्वल फोर्सेस ईच एफ एट द टू एंड्स ऑफ अ रेंच आर्म इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एज शोन. हाँ, इसमें हम लगाते हैं दोनों फोर्स, ठीक है, एक तो इक्वल एंड अपोजिट दो साइड पे लगाते हैं, ठीक है. चलो, सिमिलरली व्हाइल टर्निंग अ वाटर टैप, Tightening the cap of an ink pot, turning the key in the hole of the lock, winding a clock or a watch with a key, turning the steering wheel of a truck, pushing the pedals of a bicycle. Pair of forces. Couple is applied for rotation. हाँ, अब ये सारी examples जो दी हैं, जो आपकी daily life की examples हैं, जैसे कि cap of ink pot खोलना, या ठीक है, या आपका जो watch को key देनी आपने, winding the clock, या वॉच को जब हमने की के साथ उसको वाइंडिंग करना, तो भी हम दो साइड से इक्वल एंड अपोजिट जो पेयर ऑफ फोर्स लगाते हैं, सो दैट इट रोटेट्स.